तो भाई अपने को यार फ्लैट टायर चेंज करना ही पड़ेगा। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक द न्यू वीडियो। सो भाई आज की वीडियो यार काफी दिनों के बाद स्टार्ट की है, बिकॉज यार बहुत दिन से यार फोन खराब था। भाई क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है भाई? ये बैक गाड़ी कर रहा है, देख रहे हो? क्या करू पीछे? अरे भाई पीछे कर लू थोड़ी सी, और अच्छा वाले भैया रोक ले जरा। क्या कर रहे हैं यार, ये कोई बैक करने की जगह यहाँ से घुमा रहे, बताओ गाड़ी यार। सो भाई यार आज यार तीन चार दिन बाद फोन यार सही करवाया अपना। सो यार उसमें यार दिक्कत आ गई, थोड़ी यार टेक्निकल इशू आ रहा था, तो वो सही करवाया है, कोई बात। तो आज वो सही करवाया भाई, उसके बाद यार काफी सारी वीडियो यार पेंडिंग में डली हुई है यार। पिछले यार संडे की जो राइडिंग वाली वीडियो शूट करी थी, उसके बाद से अभी तक कोई ब्लॉग शूट नहीं है, और यार अभी तक वो संडे वाला ब्लॉग नहीं डाला, जबकि आज सैटरडे हो गया। तो आज सारी वीडियो जितनी भी पेंडिंग है सारी एडिटिंग करके डालूंगा, सारी अपलोड करता हूँ। फिलहाल चलते हैं यार शोरूम से आ रहे हैं मोबाइल ठीक करा के, फिलहाल चलते हैं घर पे, खाना पीना खाते हैं यार, उसके बाद चलना है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे से एक पिकअप है, उनको छोड़ना है यार फरीदाबाद। चलो फिर मिलते हैं वहीं, देखते हैं क्या सीन आएगा। भाई इसको देखो, मेरे फ्रेंड के पास है बिल्कुल सेम यही है यार, कितना क्यूट लग रहा है। सो भाई फिलहाल पहुंचे यार एयरपोर्ट, पहुंच तो गए, फिलहाल बज रहे हैं यार 2 बज चुके हैं एग्जैक्ट। तो अभी यार आए एयरपोर्ट, यार रास्ते में इतना ट्रैफिक था एमसीडी टोल से यार हाईवे पे, बहुत ज्यादा आधा घंटा खराब हो गया भाई वहाँ पे। आ तो चुके हैं भाई फिलहाल, अब देखते सर को करते हैं पिकअप, फिर चलते सीधे। इनको देखो, इनका नहीं पसेगा, साइड से स्पेस है। मैंने कहा भाई इनका बैग पसता भी बिल्कुल, देखो साइड से आते ना, बट वो साइड से निकल गए भाई। इन ट्रॉलियों की भाई देखो बात ही अलग है, ट्रेन की तरह चली जाती है, देखो आज देखो पटाख सी में जाएंगी अब भाई। ये क्या चीज है यार, देख रहे हो कितना स्मोक निकल रहा है। मेरे ख्याल से भाई अंडे फ्राई हो रहे हैं इसमें, अंडे बॉल हो रहे हैं ऐसे लग रहा है मेरे को, पैसेंजर लोगों के लिए सारे बॉल अंडे फ्राई हो रहे हैं, वो बॉल हो रहे हैं। और ये भाई टर्मिनल 3 इधर, बाकी सारी टैक्सियां खड़ी रहती हैं इधर, और ये अपनी पार्किंग वेटिंग लॉन्च। चलो चलते हैं यार, पैसेंजर का आने का टाइम हो गया है, 250 से ऊपर बज चुके हैं अभी भाई। ये भारी नुकसान हो गया यार, आप अभी मालूम पड़ा यार गाड़ी में पंचर हो गया यार, ये तो भाई बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई भाई। ये पंचर अभी कैसे तोड़ू भाई, अभी तो गेस्ट आने वाला भाई, और एयरपोर्ट पकड़ा हूँ बिल्कुल यार, और पंचर तोड़ना भाई इसमें लगेगा आधा घंटा, कैसे तोड़ू कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। अब देखते हैं यार अभी करते हैं यार, उससे बोलता हूँ हवा डलवा लेते हैं फिलहाल। हवा डलने से क्या है कि यार थोड़ा बहुत खुली बहुत चल जाएगी गाड़ी 50-60 किलोमीटर, उसके बाद दोबारा हवा डलवा लूँ, नहीं तो चेंज कर लूँ गेस्ट को छोड़ने के बाद। एक बार फुल होने के बाद गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगा? एक हाईवे पे चलाओगे तो 200 चल जाती है।
200 वैसे 180 करीब। सो भाई अपने को यार फ्लैट टायर चेंज करना ही पड़ेगा। फोटो ले रहेगा? अच्छा मालिक गाड़ी स्टेपनी चेंज कर रहा है, फोटो खींच के बताना पड़ेगा। यूट्यूब का चैनल है अपने, यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब अपना चैनल है, चैनल है उसके लिए वीडियो बनाता हूँ। यूट्यूब का चैनल है, चैनल वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब का। हाँ यही समझ लो भाई, फिलहाल करना यार इसको चेंज। क्या यार आज तो समझ जोड़ लिया यार, देखो ये बिल्कुल न्यू टायर, अभी तो घिसा भी नहीं है। अब चलते हैं फिलहाल, भाई बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया भाई दिल्ली में एंटर करते ही। यार ये देखो, एक तो यार मेट्रो का काम, ऊपर से भाई ये पानी भर जाता है इतना लेफ्ट साइड में, बड़ी दिक्कत होती है भाई गाड़ी चलाने में बरसात में, तभी दिल्ली में आना बुरा लगता है बिल्कुल। बड़ा डिस्गस्टिंग रोड है यार बिल्कुल। देखो इधर एक तो क्या ही कहो, अब बस गड्ढा नहीं होगा, बाकी तो निकल जाएगी भाई। देख लो यार कितना पानी भरा हुआ है यहाँ भाई, दिल्ली का हाल बेहाल भर से देख लो यार, कितना कितना पानी है, कितना क्या है भाई। इस साइड देखो यार बिल्कुल बस भी नहीं निकल रही है उस साइड से, तो ये आदमी सारे देखो इधर से ड्राइवर ले रहे हैं बिल्कुल लोड नहीं फंसे भाई। इधर तो यार गाड़ी बैक ले ली क्योंकि यार इधर बहुत पानी है भाई, इतना ज्यादा जहाँ में गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, सारी गाड़ियाँ बैक होते हुए आ रही हैं। देखो ये खड़े भाई बस वाले भैया, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, निकाल लेंगे कहीं से भी भाई, हमारी फंस जाएगी। CNG गाड़ी है, कभी बंद हो सकती है, तो रिक्स लेने का नहीं कभी भी। भाई फरीदाबाद का हाल और देख लो यार, अब फिर भाई इतना बुरा हाल हो रहा है। फिलहाल भाई सर को छोड़ दिया, कर दिया ड्रॉप, और मैं हूँ यार फिलहाल फरीदाबाद, तो अब यहाँ से चलते हैं सीधे गुड़गांव। तो यार 9:30 बजे की ड्यूटी है एक और, तो भाई यहाँ तक आते होते भाई 3 घंटे लग गए ऑलमोस्ट, 3 घंटे 2.5 घंटे से ऊपर ही हो गए, और 3 घंटे मान लो, 3 घंटे हो गए पूरे बताओ इतना, जबकि 1.25 घंटे की रास्ता है बस, इससे ज़्यादा की नहीं है। आज बरसात इतनी है भाई, क्या करो इतना ज़्यादा टाइम लग गया। अभी आए यार CNG पे, CNG आगे गाड़ी में थोड़ी बहुत जो भी है भाई, बारिश बहुत है यार आज भाई, बोल रहा यार साइड से नोएल है तो पीछे से आएगी, अदरवाइज यार इधर से ले लेता आगे लगा लेता, अभी यार पीछे ही आएगी क्योंकि यार साइड में नोएल है ना मेरी गाड़ी का, जहाँ से पेट्रोल डलाते हैं उस साइड से, अगर आगे बोनेट में होता तो उस साइड घुमा के लग जाती भाई, अभी इन्हीं के पीछे से लगानी पड़ेगी। और भाई बरसात इतनी है यार, ठंड लग रही है, अब तो गाड़ी में ऐसी भी चलाना मुमकिन नहीं है भाई। भाई पंप वालों की दादागिरी देख लो, बरसात हो रही है तो डाल ही नहीं रहे यार CNG गाड़ियों में, अच्छे खासे मेरे 20 मिनट खड़ा हुआ खड़े खड़े लाइन में, पहले बता देते और नहीं डाल रहे क्यों, तो लाइन में लगाता गाड़ी को मैं भाई। इतनी तेज हवा चल रही है फिलहाल, अभी रुक गया यार, भाई को जरा खाना पीना खाना था, उस चक्कर में थोड़ा खाना पीना खाने के लिए भाई रुक गए ऑफिस के बाहर ही, तो अभी इनको ड्रॉप करते हैं भाई। फिलहाल बज रहे हैं यार 10 बज गए बिल्कुल,